बीमारियां जिनके सिग्नल्स हमें अक्सर मिलते हैं लेकिन हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये तो छोटी छोटी बीमारियां हैं, ये तो सभी के साथ लगी होती है, लेकिन नहीं, ये जो छोटी छोटी बीमारी है ना, अक्सर यही बड़ी बीमारी को न्योता देती है। चलिए आज हम आपको इनके बारे में डिटेल नॉलेज दें, जानना है जरूरी, तो वेलकम टू रंगदारी जिंदगी। शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। भूलने की बीमारी, अक्सर लोग ना इसे अवॉइड करते हैं, उन्हें लगता है ये तो सभी के साथ है ना, लेकिन नहीं। अगर आपने सुबह क्या खाया ये भूल गए, शाम को क्या होने वाला था ये भूल गए, किससे मिलना था ये भूल गए, कौन सा सामान कहाँ रखा था ये भूल गए। छोटी छोटी बातें ही हैं, लेकिन अगर आप भूलते रहते हैं तो ये बड़ी मुसीबत का कारण बनने वाली है, तो इसे अवॉइड ना करें। और ये सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं तो आप डॉक्टर्स का परामर्श जरूर लें, और साथ में अपने खान पान में ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल जरूर करें, इससे आपकी याददाश्त तेज हो सकती है। आंखों की कमजोरी, लगता है ना थोड़ी एज बढ़ गई है, शायद इसलिए आंखों की कमजोरी आ गई है, या फिर हमने बहुत ज्यादा टीवी देखी है इसलिए आंखों की कमजोरी आ गई है, या फिर आप बहुत ज्यादा मोबाइल देखने लगे हैं इसलिए आंखों की कमजोरी, बहुत ज्यादा सामने से पढ़ने लगे इसलिए आंखों की कमजोरी। लेकिन नहीं, ये आपके खान पान से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, तो इसलिए आपके खान पान में आपने क्या शामिल किया है और कौन सी चीजों को शामिल करना है इसको जरूर ध्यान दें। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। साथ में आपके खान पान में हरी सब्जियां और कैरेट जरूर शामिल करना चाहिए, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। सीने में जलन, अक्सर आप खाना खा के तुरंत बिस्तर पर लेट जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये सीने में जलन करता है। आपको जब भी खाना खाना चाहिए तो कम से कम 100 कदम चलने चाहिए और उसके बाद ही बिस्तर पर बैठना चाहिए, लेकिन अगर आप अक्सर ऐसा करते हैं तो आपको अपच रहेगा जिससे सीने में जलन होगी। और अगर आप जंक फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं या फिर कुछ मिर्च मसाला ज्यादा खाते हैं तो भी आपको सीने में जलन रहेगी। अगर आपको सीने में जलन अक्सर रहती है तो आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए, और कोशिश करके जब भी आप खाना खाएं तो आपको 100 कदम जरूर चलना चाहिए, और उसके अलावा आपको जंक फूड नहीं खाना है, साथ में मिर्च मसालों को अवॉइड करें, फ्राइड फूड अवॉइड करें, इससे आप स्वस्थ रहेंगे, और हो सके तो योगा जरूर करें। खर्राटे, अक्सर खर्राटों से आप तो परेशान होते ही होंगे, लेकिन जो सामने वाला परेशान होता है वो सामने वाला ना नींद नहीं कर पाता, इसलिए स्नोरिंग का यानी खर्राटे का इलाज जरूर लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि खर्राटे का मतलब आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो और बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, इसलिए आपको खर्राटे से निजात पाना ही चाहिए, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ ही हम बताएं घरेलू उपचार में, तो आपको खर्राटे के लिए स्टीम जरूर लेना चाहिए, स्टीम से भी खर्राटे कम होते हैं। सिर दर्द, हेडेक, कितना छोटा सा वर्ड है लेकिन नहीं, ये ना बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। आपको पता है अक्सर लोग इसे कैसे डील करते हैं, उन्हें लगता है सर दर्द हुआ, हो सकता है मैंने रात को नींद नहीं की, हो सकता है मेरा बिस्तर प्रॉपर नहीं होगा, हो सकता है मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया होगा। लेकिन अगर आपको अक्सर ऐसा होता है ना तो ये बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है, हो सकता है माइग्रेन हो गया हो सकता है आपको अपच हो रहा हो, गैस हो रही हो सकता है कि आपको ये हेडेक इसलिए भी हो रहा हो क्योंकि आपको सर्वाइकल है। तो हेडेक बहुत रीजन से होता है, इसे छोटी बीमारी न समझें और डॉक्टर का परामर्श जरूर लें, और अपने खान पान में ज्यादा हैवी फूड ना खाएं जिससे वो अपच करने लगते हैं, और अपच से ही गैस होती है, इसलिए इन खान पान से दूर रहें, और हो सके तो मेडिटेशन जरूर करें, इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। ये तो कुछ छोटी छोटी बीमारियां थी जिन्हें हमने ध्यान दे दिया तो हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं जो सिग्नल्स देती है हमारी बॉडी, लेकिन हम उन्हें अवॉइड कर देते हैं। तो हमें अपने बॉडी के सिम्टम्स को, सिग्नल्स को ध्यान देना चाहिए ताकि हम हेल्दी बने रहें, ताकि हम डॉक्टर से दूर रहें। डॉक्टर से दूर हम कब रह सकते हैं? जब हम हेल्दी फूड खाएं। तो हेल्दी फूड खाइए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। और हमने एक वीडियो और बनाया है खाने पीने का सही तरीका, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो मैं बोलूंगी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जाते आते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए चाचा, बाय बाय।